बिग बॉस के घर में बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा है ये सिर्फ और सिर्फ ईशा के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिग बॉस का एक पैटर्न रह चुका है जहां पर पिछले कुछ सीजन अगर आपने नोटिस करा हो तो वो किसी एक कंटेस्टेंट को चुनते हैं और उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घुमाते हैं और इर्द गिर्द जो है टीआरपी आती है। जैसे आपने देखा होगा सीजन 13 में रश्मि के जो बॉयफ्रेंड आए थे, जो मंगेतर थे, वो जब आए थे उनके बारे में काफी कुछ बताया गया था, काफी कुछ दिखाया गया था। और ऐसा विकी भैया ने भी बताया था सीजन में ईशा को, जब वो समझा रहे थे कि बेटा ऐसी हरकतें मत कर वरना तेरे बारे में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, प्रूफ लाया जा सकता है, जो रश्मि के साथ हुआ था उसके सीजन में। अगर हम ज्यादा दूर ना जाके पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन सुम्बुल तौकीर खान की जो आपस में चल रही थी शालीन और टीना के साथ, इन तीनों की जो तिगड़ी थी वो भी बहुत ज्यादा बदनाम हुई थी। बिग बॉस के मेकर्स ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा था जहाँ पर इनके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती थी। और इस सीजन इन्होंने टारगेट बनाया है ईशा मालव्या, अभिषेक और समर्थ को लेकर। बट समर्थ जो है घर के अंदर जाने से पहले उन्होंने कुछ खुलासे किए थे अभिषेक के बारे में, जो क्या क्या खुलासे हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समर्थ ने अभिषेक के बारे में ये बताया था कि न्यू ईयर के दिन अभिषेक ने ईशा को इस तरीके से थप्पड़ मारा था कि उनकी आंखें डैमेज हो सकती थी और ईशा को बहुत तेज थप्पड़ लगी थी। दूसरा खुलासा उन्होंने ये किया था कि ड्राइविंग करते वक्त ईशा और अभिषेक एक ही कार में थे और अभिषेक ड्राइव कर रहे थे, जहां पर अभिषेक बहुत ज्यादा भड़के हुए थे ईशा पर क्योंकि उन्होंने एक बैकलेस टॉप की पिक्चर अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे और उसकी वजह से अभिषेक ने उनको बहुत ज्यादा सुनाया था और उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर तूने अभी इंस्टाग्राम से पिक्चर डिलीट नहीं करी तो मैं तुझे चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। और तीसरा एलिगेशन जो उन्होंने अभिषेक पे लगाया था वो ये था कि जब उडारिया सीरियल की शूटिंग चल रही थी तो अभिषेक आए थे ईशा के वैनिटी पे और एक गर्म चाय रखी हुई थी, उनके बीच में कुछ भड़क हुई और जिस वजह से अभिषेक ने उनको ये धमकी दी थी कि अगर तू मेरी बात नहीं मानती है तो मैं तेरे ऊपर ये गर्म चाय तेरे मुंह पे तेरे फेस पे फेंक दूंगा। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो हमें नहीं पता, बट अभिषेक जिस तरीके से घर में खेल रहे हैं और अभिषेक ने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करा था, चाहे वो डे वन से था या अभी भी अगर आप बात करते हो उनको जब सुनते हो, चाहे वो अंकिता से बात करते हैं या ऐश्वर्या से बात करते हैं, उन्होंने ये बोला है कि हाँ मैं अग्रेसिव था बट मैं इतना भी अग्रेसिव नहीं था, मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी थी, आतापाई हुई थी हमारे बीच में। बट ये जो स्टोरीज हैं, जो समर्थ ने जो स्टोरीज बताई हैं, जो खुलासे किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईशा के साइड से है। अभिषेक के साइड से क्या स्टोरी है क्या नहीं वो हमें नहीं पता क्योंकि अभिषेक इसके बारे में कुछ बोलते नहीं है और ना ही अभिषेक ईशा को कभी बदनाम करने के चक्कर में आए हुए हैं। अभिषेक हमेशा अपनी साइड की स्टोरी हाइड रखते हैं। तो क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये हमें नहीं पता, बट आपको क्या लगता है, अभिषेक सच्चे हैं या ईशा सच्ची है या समर्थ सच्चा है, कौन सच्चा है हमें जरूर बताइएगा।